देश की सबसे हॉट सीट में से एक मंडी संसदीय सीट पर कंगना रनौत बंपर जीत की तरफ अग्रसर हैं। कंगना रनौत ने कांग्रेस के विक्रमादित्य सिंह को पछाड़ते हुए लगभग मंडी संसदीय सीट पर अपना कब्जा जमा लिया है। कंगना ने 70,000 वोटों के अंतर से विक्रमादित्य सिंह को पीछे छोड़ा। कंगना रनौत को 5,06,000 वोट पड़े, वहीं विक्रमादित्य सिंह को 4,32,000 वोट मिले। इस सीट को दोनों प्रत्याशियों की बयानबाजी ने और अधिक रोचक बना दिया था। एक दूसरे पर व्यक्तिगत टिप्पणियों की वजह से ये सीट देश भर में चर्चा का विषय बनी हुई थी। बहरहाल इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं है कि हिमाचल की मंडी संसदीय सीट पर बॉलीवुड क्वीन कंगना रनौत ने जीत हासिल कर ली है। हालांकि पोस्टल बैलेट के वोटों का आंकड़ा आना अभी बाकी है, जीत के आंकड़ों में बदलाव भी हो सकता है, लेकिन ये तय है कि यहाँ पर सुक्खू सरकार के लोक निर्माण विभाग मंत्री विक्रमादित्य सिंह को हार का सामना करना पड़ेगा। बता दें कि शुरुआती रुझानों से ही कंगना रनौत मंडी सीट पर लीड कर रही थी। एक मर्तबा भी विक्रमादित्य सिंह कंगना को पीछे नहीं छोड़ पाए। धीरे धीरे दोनों के बीच वोटों का आंकड़ा बढ़ता चला गया और कंगना रनौत देखते ही देखते 70,000 की लीड लेकर जीत की तरफ अग्रसर हो रही हैं। इसी बीच कंगना का एक बयान भी सामने आया जिसमें उन्होंने कांग्रेस प्रत्याशी पर जुबानी हमला किया। खैर वो तो अब जिस इस तरह की जो है वो ओछी बातें करने का उनको खामियाजा भी भुगतना ही पड़ेगा। किसी महिला के बारे में इस तरह की ओछी बातें करना तो वो तो आज साफ हो रहा है। जिस तरह से हमें लीड मिली है, भारतीय जनता पार्टी को जो लीड मिली है मंडी क्षेत्र से, तो बेटियों का ये अपमान जो है वो बहुत अच्छे तरीके से लिया नहीं है मंडी की जनता ने। और जहाँ तक मेरे मुंबई जाने का सवाल है, खैर मेरी तो ये जन्मभूमि है और मैं यहाँ लोगों की सेवा में तत्पर रहूँगी। और जिस तरह से मोदी जी का सपना है सबका साथ सबका विकास है, उसमें मैंने हमेशा से कहा उनकी सेना बनकर काम करूँगी। तो आई एम नॉट गोइंग एनीवेयर, और हो सकता है किसी और को अपने बस्ते अब पैक करके है वो कहीं जाना पड़े, लेकिन आई एम नॉट गोइंग एनीवेयर।